तो स्वागत है हिस्ट्री ऑफ बर्लिन के तीसरे आखिरी वीडियो में, जिसमें मैं बताने वाला हूँ ज्यूइशो के बारे में, कैसे उनको बेदर्दी से मारा गया था। ऑपरेशन स्क्वाड के बाद ही लेफ्ट में है अपना मॉन्यूमेंट फॉर द ज्यूइश जिन्हें हिटलर ने बेदर्दी से मारा, 1.1 करोड़। आप सबको पता होगा कि हिटलर ने अपनी नाजी आर्मी को यूज़ करके सारे ज्यूइशों को मिटाने की कोशिश की। इस कोशिश में उसने 1.1 करोड़ लोग को मार दिया है। तो उनके मेमोरियल पे ये अजीब सा स्ट्रक्चर बनाया गया है एकदम। आर्टिस्ट का कहना है कि इसका कोई मतलब नहीं है, आपको जो मतलब निकालना है मतलब निकाल लीजिए, क्योंकि जिस बेदर्दी से हिटलर ने उनको मारा था उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। और ये सिर्फ बर्लिन या जर्मनी नहीं बल्कि नीदरलैंड, एम्स्टरडैम, इटली सब जगह पे ऐसे ही नाजी सोल्जर ने आके ज्यूइशों का खात्मा किया। इसे कहा जाता है होलोक्रॉस्ट मेमोरियल। और ये उन 1 करोड़ से भी ज़्यादा 11 मिलियन ज्यूइशों के नाम पे बनाया गया है जिन्हें जर्मन नाजी ने बेदर्दी से फैक्ट्री में मारा है। मतलब उनको मारने के लिए अलग से फैक्ट्री बनाई गई थी जहाँ पे उनको मारा जाता था। और उनके मेमोरियल के लिए ये अजीब सा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। और ये बनाया गया है 2004 में और इसका ओपनिंग हुआ 2005 में। तो इतना ही है ज्यूइश मेमोरियल और होलोक्रॉस्ट मेमोरियल, जो भी कहे भुलभुलैया जैसा। आप जब इसको विजिट करोगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे गलियों में पूछे रहते हैं लोग स्कैम करने के लिए, जिसके बारे में मेरे वॉकिंग टूर गाइड ने हमें वार्न कर दिया था। तो अभी आपको जो देखा 3 फैंसी स्टोन जिसमें नाम लिखे थे, वैसे आपको पूरे यूरोप टूर में मिल जाएंगे कई जगह पर। ये नाम है उन ज्यूइश लोगों के जिन लोगों को घर से बेघर कर दिया गया और मार दिया गया नाजी सोल्जर्स के द्वारा। तो जब नाजी गवर्नमेंट पावर में आया और बोला कि हमें ज्यूइश नहीं चाहिए, तो इंटरेस्टिंगली उन लोगों ने एक इंटरनेशनल कमेटी बैठाई थी जहाँ पे कई सारे बड़े बड़े कंट्रीज को बुलाया था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, बहुत सारे, फ्रांस, और लोगों को बोला था कि हमें ज्यूइश नहीं चाहिए, जिसको लेना है ले लो। पहले तो बहुत जो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा नहीं कर सकते तुम, ज्यूइश को नहीं निकाल सकते, ऐसे करना ठीक नहीं है। और जब ऑफर आया तो सब ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हमें भी नहीं चाहिए ज्यूइश। अमेरिकन्स ने भी मना कर दिया, कनाडा भी मना कर दिया, बस डोमिनिका रिपब्लिक और कोस्टा रिका यही 2 कंट्री थे जिन्होंने बोला ठीक है हाँ भेज दो ज्यूइश लोग को, हम लोग ले लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया। तो उसके बाद हिटलर ने कहा कि जब किसी को ही नहीं चाहिए, सब तो पहले बहुत बोल रहे थे कि हाँ ये ठीक नहीं है, तो मैंने जब ऑफ़र किया किसी को नहीं चाहिए तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि जब मैं ज्यूइश लोग को मार दूँ अकॉर्डिंग टू हिम, तभी उसने सबको पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। तो वैसे ही कुछ नेटिव जर्मन फैमिली है और यूरोप कई जगह पर नेटिव फैमिली है जिन लोग को ज्यूइश बोल के करके मार दिया गया। वैसा एक फैमिली यहाँ पे चेक पॉइंट चाली के वहाँ पे स्टोन पे मिलेगा आपको, और पूरे बर्लिन में घूमते रहोगे तो हज़ारों मिल जाएंगे। यही है बर्लिन का थोड़ा बहुत हिस्ट्री जितना मुझे वॉकिंग टूर में पता चला, बाकी आप जब आओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हिस्ट्री इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग बट वर्ल्ड हिस्ट्री ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। वेल, बर्लिन सिर्फ हिस्ट्री के बारे में नहीं बल्कि ये बहुत ही मज़ेदार और कल्चरल सिटी है। यहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई फेस्ट होता ही रहता है, आपको बस ढूंढना पड़ेगा। बर्लिन में बहुत ही अमेजिंग पब क्रॉल्स जो मैंने नहीं किया, पर नदी किनारे आपको बहुत एंटरटेनिंग चीज़ें मिल जाएगी। 6-7 जन के साथ ट्राई किया डांस करना, पर ये मुझसे होगा नहीं। ये था स्विंग डांस, यहाँ पे हर हफ्ते अलग अलग डांस फॉर्म होते हैं। ट्राई किया 7-8 जन से, सबका मतलब किसी के पैर में पैर रख दिया, किसी के हाथ मुड़ा दिए। भाई इंडियंस को ये सब डांस वाला सीखना चाहिए, पता नहीं आप लोगों को आता नहीं कि मेरे को तो कुछ नहीं आता है। स्विंग डांस,
बैले, सालसा, टैंगो। तो डांस सीख के आओ, यूरोप आ रहे हो तो। मैंने ऐसे मत करो, तो डांस दो तीन क्लास सीख लो, बाकी किस्मत। अगली वीडियो में दिखाने वाला हूँ मैं कैसे गया दी पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी फॉर फ्री।